उपवास और व्रत के लिए आपके लिए स्पेशल सामे की खिचड़ी, जो बहुत अच्छी भी बनती हैं और हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि हम उपवास और व्रत में ज़्यादा टाइम भूखे रहते हैं। आप उपवास और व्रत में ऐसा ही कुछ खाना चाहेंगे जिससे आपका पेट भी नहीं खराब हो। इसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए सामे की खिचड़ी। इसके लिए हम आलू कटिंग करेंगे। आलू को हमें बारीक बारीक कटिंग करना है। हमारा आलू एकदम कटिंग करके तैयार है। अब हम हरी सी मिर्ची कटिंग करेंगे। ज़्यादा मिर्ची नहीं लेंगे हम, 2 मिर्ची लेके इसको बारीक कटिंग करेंगे। ये खिचड़ी आपके व्रत और उपवास में बहुत हेल्दी भी होती है, और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी बनती है। हरी मिर्च को हम बारीक बारीक कटिंग करेंगे। अब हम कटिंग करेंगे टमाटर की। खिचड़ी को खिचड़ी में खटास की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम इसमें डालते हैं टमाटर। अब हम खिचड़ी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लेंगे तेल कढ़ाई में। अब हम जीरे का तड़का लगाएंगे, और जो मैंने हरी मिर्ची कटिंग की है उसको हम तेल में फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मूंगफली के दाने। मूंगफली हम सगार में लेते हैं, और इसमें खिचड़ी में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से तलने के बाद ही हम इसमें आलू डालेंगे। अब हमने डाले आलू और मूंगफली, और आलू को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। ये बहुत आसान और झटपट रेसिपी है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम उपवास और व्रत में क्या बनाकर झटपट ले सकते हैं, इसलिए ये रेसिपी बहुत आसान तरीके की है, जिसको आप 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उपमास में लेने वाला नमक, सादा नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है। जो सामा वाला दाना होता है वो हम उपवास और व्रत में यूज करते हैं, और ये हर दुकान पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब जो मैंने सामा अच्छी तरह से पानी में धो लिया था वो डालेंगे। और अब इसमें डाल देंगे पानी, सामे और आलू और सारी सब्जियों को पकाने के लिए पानी डाला। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, जितना हमने सामा लिया है उससे दुगुना पानी डालना है। ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार होती है। ये 5 मिनट में हमारा सामा एकदम पककर तैयार हो जाए, उसके बाद ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। जब हम टमाटर पहला डाल देंगे तो ये एकदम इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और खटास भी नहीं आएगी। लास्ट में डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और ये हमारी खिचड़ी में एकदम खटास फैला देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी सामे की खिचड़ी आपके व्रत और उपवास के लिए एकदम तैयार है। आप इस खिचड़ी को बनाकर अपने व्रत और उपवास में खाकर ज़रूर ट्राई कीजिए,
और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की।